नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण वाजपेयी आप सभी का ए टू जेड हेल्थ ज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दांतों के दर्द के बारे में और उसके निराकरण के बारे में। आप दांत के दर्द से कभी ना कभी हमारे घर पे कोई ना कोई छोटा बड़ा या बुजुर्ग पीड़ित जरूर हुआ होगा। दोस्तों, खासकर वृद्धजनों को तो ये समस्या हो ही जाती है, लेकिन अब नई पीढ़ियों में भी ये समस्या देखी जाती है। इसका असर हमारे दांतों पे दिखाई देता है, जो हमें इतना पीड़ा देते हैं कि दोस्तों, जिसका असहनीय दर्द होता है, और कहते हैं दांत का दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है। दोस्तों, इसकी पीड़ा बहुत ही असहनीय होती है, लेकिन आज हम कुछ आपको इलाज, कुछ टैबलेट ऐसी बताएंगे जिनका सेवन करके आप दर्द से निवारण पा सकते हैं। दोस्तों, भयानक से भयानक दर्द में आपको निवारण मिलेगा। दोस्तों, बने रहिए वीडियो को, वीडियो तक अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। दोस्तों, जब हम खाते हैं या खाना खाते हैं या कुछ भी, सुबह का नाश्ता हो या सोने के टाइम पे दोस्तों खाना हो, उसके बाद जब हम अपने दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दांतों में फंस जाता है और वो कैविटी के रूप में जमा हो जाता है, हमारे दांतों में काला काला नज़र आता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया जब धीरे धीरे ज़्यादा लंबे समय तक हो जाती है दोस्तों, तो हमारे दांतों में खोखलापन आ जाता है, हमारे दांत टूटने लगते हैं दोस्तों, और हमको ये महसूस होता है कि हमारे दांतों में कीड़े लगे हुए हैं। दोस्तों, आम भाषा में यही बोला जाता है कि दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, और आपकी दाढ़ हो या दांत हो वो खोखली हो जाती है, और जब धीरे धीरे ये खोखलापन मसूड़ों तक पहुंच जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। दोस्तों, अगर समय रहते आप इनको पहचान लेंगे तो ये पीड़ा कम होगी और इसका इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही होती है, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं दोस्तों, और जब ये समस्या गहरी हो जाती है, हमें पीड़ा असहनीय होने लगती है, तब हमको लगता है कि ऐसी कोई भी दवा या कोई टैबलेट मिल जाए जिसको हमको तुरंत आराम मिल जाए। दोस्तों, आज उसी लिए दोस्तों आपको हम ऐसी दवा बताएंगे, ऐसी टैबलेट बताएंगे जिनका सेवन करके आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, दांतों के दर्द से होता क्या है, जब जब आपके दांतों से होते हुए कैविटी आपके मसूड़ों तक पहुंच जाती है तो मसूड़ों में आ जाती है स्वेलिंग, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपकी दांतों की नींद उड़ जाती। लेकिन आज आपको हम दो टैबलेटें बता देंगे जिनका सेवन आपको करना है, कैसे करना है और कितनी डोज में लेनी है। दोस्तों, इन सभी बातों पे आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको जो टैबलेट लेनी है वो है जीरोडॉल एसपी। दोस्तों, आपके पेन के लिए, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग के लिए सबसे अच्छी दवा जो है वो जीरोडॉल एसपी है। दोस्तों बहुत महंगी महंगी दवाएं आती हैं, लेकिन एक जनरल दवा के रूप में जीरोडॉल एसपी का काम बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे कि जीरोडॉल एसपी में होता क्या क्या है। दोस्तों, जीरोडॉल एसपी में एसिक्लोफिनाक और पैरासीटामॉल, एसिक्लोफिनाक और पैरासीटामॉल का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, जो आपके मसूड़ों और दांतों के दर्द को भी ख़त्म करता है और उसमें आई स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है। दोस्तों, इसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी आपको एलमॉक्स 500। दोस्तों, ये एलमॉक्स 500 अन्य नामों से भी सिलिन। दोस्तों, इसका जो साल्ट होता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन। दोस्तों, जो मसूड़े में स्वेलिंग होगी वो समाप्त हो जाएगी, जिससे आपको राहत मिलेगी, आपके दर्द में राहत मिलेगी, और आपको ज़रूरत पड़ जाए तो 3 से 5 दिन भी इसका सेवन कर सकते हैं। 5 दिन सेवन कर लेंगे तो आपके दांतों में जो दर्द है वो समाप्त हो जाएगा और आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, ये 500 mg फार्मूले में होता है, ये एलमॉक्स 500 के नाम से जनरल दवा होती है, अन्य नामों से भी आती है, लेकिन आपको फार्मूला पकड़ के चलना है। यही काम आपको जीरोडॉल एसपी में करना है, यही आपको एलमॉक्स 500 में करना है। मेन चीज़ होता है दवा के साल्ट का, अगर उसके आपको फार्मूले मालूम है और उस फार्मूले को पकड़ के चलिए, दवा का नाम से कोई मतलब नहीं। अगर नाम से मिल जाती है तो नाम से ले लीजिए, अति बेहतर होगा, नहीं तो आपको एक एंटीबायोटिक एलमॉक्स 500 जिसमें एलमॉक्सिसिलिन होता है, और दूसरी होती है जीरोडॉल एसपी जिसमें एसिक्लोफिनाक और पैरासीटामॉल,
ये दोनों दवाएं आपको लगातार 3 दिन लेनी पड़ेगी, सुबह शाम में। दोस्तों सुबह आप नाश्ते के बाद, शाम को खाने के बाद, 3 दिन आप ले लेंगे। आपके दांत दर्द के लिए आपको हमने टैबलेट बताई है, इनका सेवन करिए, आपको राहत। नमस्कार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए रोग के निदान। दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, आप स्वस्थ।